क्या आपको गुरुदेव सुरेश माली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश माली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5190002432625 9829026625। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वक्त आप टेलीविजन की स्क्रीन पर जो ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये 33 वर्ष 33 इयर्स अपनी जिंदगी के पूर्ण करके 34 वर्ष में चल रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में रहते हैं और गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के तहत जॉब कर रहे हैं। पेशे से बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, माता पिता है, छोटी एक बहन है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। आज तक विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चाहते थे कि मैं अपनी पत्नी, जिस किसी भी लड़के से शादी करूं, अपनी पत्नी को एक अच्छा घर दे सकूं, अच्छी गाड़ी दे सकूं, सुख सुविधाएं दे सकूं, ऐसा ना हो कि मैं संघर्ष करते करते आगे बढ़ूं। विवाह के बाद कि हमें छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रकार का संघर्ष करना पड़े, तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले बहुत अच्छा धन कमा लूं, अपनी जिंदगी को स्टेबल और सेटल कर लूं। वैसा ही इन्होंने किया है। माता पिता दोनों ही और खुद की छोटी बहन और ये एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट में, माफ करेगा, दिल्ली में रहते हैं, ड्यूप्लेक्स फ्लैट इन्होंने गुड़गांव में बुक किया है कि कभी आने वाले समय में अगर कोई तकलीफ भी आई तो माता पिता अपने फ्लैट में रहें, ड्यूप्लेक्स और मैं ऊपर रहूं, ताकि हमारे बीच में झगड़ा फसाद हो। बड़े सुलझे हुए विचारों का व्यक्ति है ये। दूसरी अवस्था, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आज तक विवाह नहीं किया क्योंकि इसका एक कारण मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा कारण यह है कि इनको सुयोग्य लड़की मिली ही नहीं। ये चाहते हैं कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो या तो मेरा पूरा घर संभाले या फिर अपने कामकाज के साथ साथ मेरे माता पिता की देखरेख भी करे। हालांकि माता पिता को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग अवस्था नजदीक आएगी वैसे वैसे कई प्रकार की तकलीफें अपने आप ही जन्म ले लेती है। ऐसी अवस्था में ऐसी लड़की से अगर पहले से ही बात की जाए कि तुम काम धंधा भी करोगी, नौकरी करोगी, उसके बाद घर आके मेरे माता पिता की सेवा करोगी, तो आजकल की लड़कियां आमतौर पर मना करना ही ज्यादा पसंद करती है, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इनके अपने ही ऑफिस में एक लड़की से मुलाकात हुई जिनका डाइवोर्स हो चुका है। उनके पहले विवाह में कोई धोखा हुआ था और लड़की की जो मदर है, अब आप वापस समझ लीजिए, ये एक 34 वर्ष में उम्र में चल रहे लड़के की कुंडली है। इन्होंने एक लड़की को पसंद किया जो इनके ऑफिस में काम करती है। वो पहले से ही डाइवोर्स इनका हो चुका है क्योंकि उनकी शादी में पहले कोई धोखा हुआ था, ऐसा लड़की ने बताया है। लड़की की मां एक प्रिंसिपल रह चुकी, अभी रिटायर हो चुकी है और साथ में ज्योतिष का थोड़ा बहुत अध्ययन करती है, मेरा कार्यक्रम भी देखती है और भी बहुत सारे ज्योतिषी जो ज्ञान दे रहे हैं टेलीविजन और किसी और माध्यम से, उनके भी कार्यक्रम देखती है और कहीं से इन्होंने कोर्स भी किया है, तो एक अच्छा खासा उनको अनुभव और ज्ञान दोनों जरूर है, ऐसा लड़की का कहना है। अब लड़की ने कहा है कि मां, मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूं और ये लड़का भी तैयार है। दूसरी अवस्था, लड़की के पिताजी को कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि 6-8 महीने के ही मेहमान हैं। तो लड़की के जो पिताजी है उनका कहना है कि बेटी, जब तक मेरी सांस चालू है, जब तक मैं जीवित हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे आत्मा पर एक बोझ रहेगा कि मैंने कन्यादान नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी तुरंत हो जाए इस लड़के से। अब समस्या कहां है, जब लड़का और लड़की दोनों ही राजी है और पिता भी चाहते हैं इस लड़की से शादी हो, इस लड़के से शादी हो, और इनके माता पिता को कोई तकलीफ नहीं। ये कहते हैं मेरे बेटे ने आज तक जो भी फैसले किए हैं वो अच्छे ही किए हैं, और अगर ये आज डाइवोर्स से शादी कर रहा है तो इस पर भी कुछ ना कुछ इसने अच्छा ही सोचा होगा। अब समस्या ये है कि लड़की के जो माता जी है जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, उनको बहुत सारी तकलीफें इस जन्म कुंडली को लेकर हैं।
उन्होंने कहा है कि मुझे लड़के की पर्सनैलिटी, उसके कर्म करने की शैली, उसके जिस प्रकार का नेचर ऑफ वर्क वो करता है, जिस प्रकार की उसकी जिंदगी है, दिनचर्या, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी जन्म कुंडली के अंदर 3-4 ऐसे दोष है जिससे मुझे लगता है कि मेरी बेटी का या तो वैधव्य योग बनता है या फिर से डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। अब उन्होंने कहा है कि जी मैं इस शादी के पक्ष में नहीं हूं, ये लड़का लड़की जाने और अपनी जिंदगी जाने, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसे मना ही कहूंगी। अब उन्होंने कहा है कि अगर श्रीमाली जी ये लिख कर देते हैं कि कोई तकलीफ नहीं है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैंने उनके कार्यक्रम से ही सीखा है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे अपनी तारीफ वैसे ही आपको पता है कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है जिस वजह से मुझे बोलना जरूरी है। उनका ऐसा कहना है कि सबसे पहले तो देखिए लग्न में शनि, मैंने ही अपने कार्यक्रम में कई बार बताया है कि लग्न में शनि दशम स्थान और सप्तम स्थान में शनि हो तो ज्यादातर लोगों में मैरिटल लाइफ खराब होती है, शादी बहुत जल्दी उम्र में हो जाती है या बहुत लेट होती है, डाइवोर्स हो जाना, वैधव्य योग बन जाना, मैरिटल लाइफ का डिस्टर्ब होना, सेपरेट हो जाना, और ये सब भी नहीं हो तो मान लीजिए कि एक महिला की शादी इनसे हो जाती है, वो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करती हैं और पति की ट्रांसफर हो गई अरुणाचल प्रदेश, जहां से अप डाउन भी आप नहीं कर सकते हैं, और महिला की वहां पर ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, ज्यादातर समय पति पत्नी इस ट्रांसफर के फेर में अलग अलग ही रहे हैं, या कभी साथ आने का मौका मिल गया तो बच्चे दूर पढ़ने चले गए, उसके साथ मदर चली गई। तो कहने का अर्थ क्या है, कोई जरूरी नहीं कि मैरिटल लाइफ खराब हो तो लड़ाई झगड़े ही होने जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर पति पत्नी ज्यादातर समय दूर ही रहे हो, भले प्रेम कितना ही हो लेकिन दूर रहे हो, तो यह भी कारण शनि का ही बनता है। तो उनका कहना अपनी जगह पर कुछ हद तक तो सही बनता है कि लग्न में शनि है तो वह डिस्टर्ब करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये मंगली है और वो भी जन्म लग्न से मंगली है। जन्म लग्न से मंगली होना साथ में गुरु और राहु का चांडाल दोष, राहु और मंगल का अंगारक दोष, फिर साथ की जो अवस्था बनती है कि लड़की मंगली नहीं है, तो मदर का यह कहना है कि श्रीमाली जी आपने ही अपने ज्योतिष के कार्यक्रम में कहा है कि ग्रहों के खेल में कि अगर लड़का मंगली है तो लड़की का मंगली होना जरूरी है, लेकिन मेरी बेटी जन्म लग्न से मंगली नहीं है परंतु चंद्र लग्न से अवश्य मंगली है। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ये सारी तकलीफ अगर है तो मेरी बेटी का डाइवोर्स हो जाएगा। अब देखिए कि ये कुछ हद तक ये बात मानने के योग्य जरूर है। अब इसके अंदर मैं एक पॉजिटिव विचारधारा का व्यक्ति हूं, हर चीज में पॉजिटिव खोजने की ज्यादा कोशिश करता हूं। ऐसी अवस्था में देखिए सबसे पहले कि ये लड़का 33 वर्ष का है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, माता पिता है, एक बहन है, छोटा सा परिवार है, अच्छे शहर में रह रहे हैं, गाड़ी है, सब सुख सुविधाएं हैं, फिर इसे डाइवोर्स ही लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? इसका अर्थ क्या है कि ग्रह अपना काम जरूर कर रहे हैं कि एक लड़की जिसका डाइवोर्स हो चुका है उससे आम तौर पर देखा जाए तो डाइवोर्स से लोग ही शादी करते हैं। अगर कोई कुंवारा है तो वो कुंवारा से शादी करना ही पसंद करेगा। तो ग्रह नक्षत्र अपना काम तो पूरा किया है कि इन्होंने लग्न के शनि ने आज तक शादी नहीं करने दी 34 वर्ष की उम्र तक, यानी मैंने क्या कहा था, या तो अर्ली मैरिज करवाता या फिर लेट, शनि ने अपना काम पूरा किया। फिर राहु बृहस्पति का जो बृहस्पति और राहु का जो चांडाल दोष बनता है और साथ में राहु मंगल का अंगारक दोष और मंगली होना, यह भी अपना काम पूरा कर रहे हैं कि ऐसी अवस्था में शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब करता है या फिर डाइवोर्स से लड़के से शादी करवाते हैं या फिर वैधव्य योग जिसकी कुंडली में हो या विधवा हो चुकी उनसे शादी करवाने का कर्म करते हैं। तो ये प्लैनेट ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब ये आगे अपना काम डिस्टर्ब करने वाला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 32 वर्ष तक इन योगों का जो दोष है उसका दुष्परिणाम लगभग खत्म हो जाता है। दूसरी अवस्था कि जब इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और सप्तमेश बृहस्पति 12वें घर में चले गए जो कि डाइवोर्स से शादी करना या विधवा जो लड़की है उससे शादी करवाना या किसी प्रकार के कोई शारीरिक कष्ट है उससे शादी करवाने का ही काम करते हैं, पर यह तो हमें पता है बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि ये दोष बनते हैं पर माँ बाप ने छुपाया कि हमारी बेटी का डाइवोर्स हो चुका है और बाद में पता पड़ता है कि मैंने जिस लड़की से शादी की उनका तो डाइवोर्स हो चुका है पहले। तो ये योगों ने अपना काम पूरा किया तो आपको बहन जी घबराने की जरूरत 1% भी नहीं। जब आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो मेरा अगर ये भाई होता या फिर वो लड़की मेरी बहन होती तो मैं जरूर शादी करवा देता। क्यों? कि मुझे अच्छी तरह पता है कि ये दोनों योगों को जो अपना काम करना था वो इन्होंने कर दिया है कि इतना लेट भी कर दिया और डाइवोर्स से लड़की से शादी कर रहे हैं, इससे आगे नेगेटिव करने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और बाकी सारे चीजों को तो छोड़िए, थोड़ा बहुत हमें और समझदार बनना पड़ेगा। जब सारे ज्योतिषियों ने राज्याभिषेक
प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक का जब मुहूर्त निकाला था तब उनको नहीं पता था कि इनका तो वनवास होने वाला है। एक ज्योतिषी को पता हो कि उनकी बेटी या किसी के घर में वैधव्य योग है या डाइवोर्स का योग है, मैरिटल लाइफ खराब होने का योग है, तो क्या वो अपने बच्चों की शादी नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। हमें अपने कर्मों के फल तो भोगने ही है, बस समय रहते अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो उसके दोषों में कमी आ सकती है। हम अपने भाग्य को पूरा ठीक बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सुधारा और संवारा जरूर जा सकता है, ये मेरा 100% मानना है, और ऐसे हजारों लाखों लोगों को हमने सुधारा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों हम मंदिर जाते, क्यों हम चार धाम की यात्रा करते, क्यों हम इतने मंत्र पढ़ते, क्यों हम इतने रत्नों की पूजा, रत्न को धारण करते, यंत्र की पूजा करते, अनुष्ठान करते, इतने यज्ञ करते, क्यों? क्योंकि इससे हमारे दोष कम होते हैं, दोष के दुष्परिणाम कम होते हैं। अब नवंबर 2014 तक रहेगी आपको शनि की ढैया, तो तुरंत प्रभाव से, क्योंकि बृहस्पति इनकी राशि से 12वें घर में आ चुके हैं और अगर हम लगन देखें तो केंद्र में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनका चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया जाए, और जब लड़का लड़की दोनों राजी हैं और यहां पर मैं भी राजी हूं तो यहां पर बहुमत तो यही कहता है कि बहन जी आपको मान जाना चाहिए, और मैंने जो आपको तीन इस दोष के उपाय और शनि के ढैया के जो उपाय बताए ये तत्काल करवाइए ताकि ये समस्या आगे किसी प्रकार के दुष्परिणाम में तब्दील ना हो सके। ग्रहों के चक्र का राजनीति के चक्रव्यूह पे क्या पड़ेगा प्रभाव, किस नेता के भाग्य में राजयोग, क्या कहते हैं फिल्मी सितारों के तारे, विश्व में हो रहे उथल पुथल का कारण बताएगा ज्योतिष विज्ञान। मास विशेष में किस साधना उपासना से बदल सकती है आपकी तकदीर, कब आपकी राशि में होगी धन वर्षा, दुखों का कब और कैसे होगा अंत, क्या है भविष्य के गर्भ में, जाने ग्रहों के चाल को, सचेत रहें उसके प्रभाव से, पढ़ें ग्रहों का खेल ताकि आप सदा सुखी रहें। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी के अनुसंधान तप और साधना का प्रतिरूप ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका, भारत की पहली बहुरंगी ज्योतिष अध्यात्म यंत्र मंत्र तंत्र और ज्ञान विज्ञान की मासिक पत्रिका ग्रहों का खेल। क्यों शिकवे शिकायत करूं जिंदगी, मेरे हिस्से में दी तूने खुशियां नहीं, तूने देना भी चाहा मैं ले ना सकी, भूल मेरी थी दोष किस्मत को दी। जिंदगी पर कविताएं लिखना आसान है, किसी के दुख के क्षण में उसे सांत्वना देना और भी ज्यादा आसान, पर जिसके जीवन से सुख के क्षण पलक झपकते ही गायब हो जाते हो, वो तो यही समझेगा ना कि किस्मत के हाथों कामयाबी पाने वाले लोग उसके दुख का, उसकी असफलता का मजाक बना रहे हैं। ऐसे में जिंदगी को और भी ज्यादा करीब से समझने की जरूरत महसूस होती है। आखिर क्यों एक पल में फूल खिले और दूसरे पल में कांटे, शायद यही जिंदगी। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है, जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है, इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल जनकुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन,
आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार? यदि आप विद्यार्थी हैं, तो कौन सा विषय चुनें? कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है? किस राशि से आपको हानि हो सकती है? आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा? क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है? गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्दी मंगवाइए और अपने भविष्य को सवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन सवारा है। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वक्त आप जो टेलीविजन की स्क्रीन पर यह जन्म कुंडली देख रहे हैं, यह अपनी जिंदगी के 51 वर्ष बड़े कटु अनुभव के साथ जी चुके हैं और इसमें इन्होंने 3 तो अपने व्यापार बदले हैं। इस वक्त ये कोलकाता में रहते हैं और उड़ीसा के रहने वाले हैं, कटक के, और इस वक्त कोलकाता में रह रहे हैं। अपना लोहे का व्यापार, फिर कोयले का व्यापार, फिर मशीनरी इंपोर्ट करने का व्यापार जो है इन्होंने किया है, और तीनों ही व्यापार में घाटे लगे, पैसे फंसे, कर्जा हुआ, नुकसान हुआ। पैसा कहते हैं कि हाथ का मैल है, इनके तो 100% ये कहावत इनके साथ ही है, पर इनकी किस्मत इस मामले में बड़ी अच्छी है कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और 5 लाख का सौदा ये शाम को कर लेते हैं और अपने आप ही सुबह पैसा आ जाता है और गाड़ी इनकी आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपए भी महीने में कमा ले तो 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा इनके पास तैयार मिलेगा। कितने ही बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख ले, अकाउंटेंसी कितनी प्रॉपर कर ले, कितने ही बढ़िया दुनिया के जतन लगा दे, पर ना तो पैसा इनके पास रुकता है, ना ही इनका पैसे की वजह से कोई काम रुकता है। दूसरी अवस्था, 3 काम ये बंद कर चुके हैं। अब जब भी इनको तकलीफ आती है तो इनको एक हिंदुस्तान में आपने सुना होगा, रोजाना एक हम नाम सुनते हैं कि काला धन काला धन काला धन। ये काला धन और सफेद धन जो है ये क्या चीज है? जो धन जिसको आपने इनकम टैक्स दे रखा है वो उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो आपका सफेद धन कहलाता है। ऐसा पैसा जो आपने इनकम टैक्स वालों से छुपाया हो, आपने जिस पर टैक्स नहीं दिया हो, वो पैसा काला धन कहलाता है। एक साधारण मगर अवस्था में बोले, व्यापार करने के लिए इंसान को जो है सफेद पैसा यानी जो पैसा इनकम टैक्स देकर जो दिया हुआ हो उस पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कई ऐसे लोगों से संपर्क किया जो कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने सुना हो अगर किसी चार्टर्ड या फिर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपने जरूर इस बात को सुना हो, ऐसे कुछ इन्होंने घपले करके उस पैसे को व्हाइट किया। फिर वो फंस भी गए उसके अंदर, वो अगला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फंसे, ये भी फंसे, पैसा भी इस वक्त इनका मिला नहीं है। अब ये बहुत दुखी है, परेशान है। इस इनकम टैक्स और शेयर मार्केट और चार्टर्ड अकाउंट के चक्कर काट काट के ये इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि अच्छे खासे चार्टर्ड अकाउंटेंट को मात दे सकते हैं, अच्छे खासे इनकम टैक्स जो इस प्रकार के जो कर्म करते हैं इनकम टैक्स जो ऑफिसर है उनको भी ये मात दे सकते हैं, अच्छे खासे शेयर मार्केट वालों को मात दे सकते हैं। कहते हैं कि गुड़ते गुड़ते तो पत्थर भी गोल हो जाता है, जो फिरेगा वो ही चरेगा, जो चक्कर लगाएगा वो जरूर कहीं कहीं से अपनी जिंदगी में कुछ मोती निकाल ही लेगा। ऐसी अवस्था में अब ये कहते हैं, श्रीमाली जी मैं और तो कोई काम अब कर नहीं सकता, मुझे कोई फैक्ट्री डालनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, मेरे साथ आज तक सिर्फ ऊपर नीचे जिस प्रकार ग्राफ चलता वैसे ही मेरी जिंदगी चली है। अब मैं चाहता हूं कि मैं शेयर मार्केट का अपना कोई काम करूं ताकि लोगों को कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर खरीदने के बाद कब बेचना चाहिए, उसमें जो उनको मुनाफा मिलता है उससे मैं अपना कुछ कमीशन ले लूं। एक तो मैं ये काम करना चाहता हूं जिससे हम कंसल्टेंसी भी कह सकते हैं। दूसरा काम ये कहते हैं कि लोगों का जो जिस प्रकार का भी धन उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें उनका बिजनेस किस वजह से नहीं चल पाता है वो भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से पता है। हालांकि मैं अपने खुद के 3 बिजनेस बंद कर चुका हूं, लेकिन ये गुड़ते गुड़ते जिस प्रकार से पत्र गोल हो जाता है उसी प्रकार से मैं बहुत इंटेलिजेंट हो चुका हूं, तो मुझे इन दोनों में से कौन सा काम करना चाहिए। तीसरी बात कि मैं कोलकाता में ही रहूं या मैं गुजरात या मुंबई जाकर शिफ्ट होना चाहता हूं तो क्या मैं वहां जा सकता हूं। देखते हैं इनकी कुंडली आखिर क्या कहती है कि सबसे पहले देखिए राहु 12वें घर में है और केतु 6ठे घर में विराजमान है, तो ये सारे ग्रह आ गए राहु से केतु के मध्य काल सर्प योग। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो जन्म कुंडली मेरे पास लेकर आता है कि श्रीमाली जी हमें तो किसी पंडित जी ने बताया कि आपको काल सर्प योग है, हम 3 बार 4 बार 5 बार इसकी पूजा भी करवा चुके हैं पर आज तो कोई फायदा भी नहीं हुआ है। जन्म कुंडली देखने पर पता लगता है कि इनको तो छोड़ो, इनके पैदा होने से पहले 4-5 महीने और आगे 4-5 महीने में भी किसी को भी काल सर्प योग नहीं हुआ था, जितने भी लाखों लोग पैदा हुए हैं।
पर न जाने क्यों पंडित जी लोग जो अकाल सर्प योग देने में ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप गलत इस विद्या का गलत उपयोग करेंगे, इस विद्या को, इस पवित्र विद्या को अगर आप लोगों के अंदर भ्रांति फैलाने के बाद पैसा कमाएंगे तो पैसा आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ना वो पैसा आपके पास रह पाएगा। ये याद रखिएगा, सही मायने में कालसर्प योग कैसे बनता है आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, पूरी जन्म कुंडली में जो ग्रह, जो जन्म लगन है उसके अंदर आप देखिए राहु किस नंबर में विराजमान है। अब इस कुंडली में देखिए ये राहु लिखे हैं, ये चार नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि के राहु हो गए। राहु और केतु वो रेट्रोग्रेड यानी पीछे की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए चार से पीछे क्या होगा, तीन होगा, तीन से पीछे दो होगा, तो यहां से घूमते घूमते पीछे चलते 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 ये आ गए केतु। ये जब राहु से केतु के मध्य सारे ग्रह विराजमान हो जाए तो इसे हम कालसर्प योग कहते हैं। अब यहां पर केतु जब विराजमान है तो देखिए 9, 8, 7, 6 और 5 इस पर कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, यानी सारे ग्रह देखिए इधर आ गए, ये बन गया कालसर्प योग। पुराने जमाने में या बचपन में मैंने तो जरूर खेला है, आपका पता नहीं है, सांप सीढ़ी का एक खेल हुआ करता था। उस खेल के अंदर क्या होता है कि जब आप अपने अपने जो जिस प्रकार से नंबर लिखे रहते हैं ऐसे आगे बढ़ते हैं, जैसे ही सांप का मुंह आ गया कि आप जहां पर सांप की पूंछ है वहां तक आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और चलते चलते कहीं सीढ़ी आ गई तो आप ऊपर चले गए। तो यह सांप सीढ़ी का खेल है। तो इस खेल में यहां क्या होता है कि यह कालसर्प योग आपको ऊपर ले जाता है, नीचे गिराता है, ऊपर ले जाता है, नीचे गिराता है। तो ऐसी अवस्था में इंसान दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर मैंने कई बार क्या बताया कि जिसकी कुंडली में राहु और शनि आमने सामने हो वो इंसान, अब इस वक्त भी देखिए कि गोचर में राहु शनि साथ में है, तो राहु शनि जब भी साथ में होंगे इंसान बड़ा शार्प पॉइंट ब्रिलियंट जरूर होगा, उतना ही इमोशनल सेंटिमेंटल भावुक किस्म का आदमी होता है। जिस पर सबसे ज्यादा यकीन या भरोसा करते हैं वो ही उन्हें धोखा देने का काम कर देता है। तो इनका पैसा फंसा, नुकसान हुए, धोखे हुए, उतार चढ़ाव जिग जैग वाली इन्होंने जिंदगी जी है, पाया और पा के खो दिया सब कुछ। तो जितने भी लोग राहु शनि के दृष्टि संबंध वाले हो वो R&D बड़ी अच्छी कर सकते हैं। R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये राहु चंद्रमा का लगा ग्रहण दोष, दशम स्थान में मंगल इंटेलिजेंट और मेहनती बनाता है, इंसान को कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुलदीपक योग बनाता है। अब कुलदीपक तो बने कि साहब तीन तीन बिजनेस किए हैं आज तक, पाया और खोया, पाया और खोया, ये कैसा कुलदीपक योग है? क्यों कि सिर्फ ये मंगल ही अपना काम नहीं करेगा, ये बाकी प्लैनेट भी अपना काम करेंगे। फिर जब भी आपने बिजनेस किया है पाके आपने खो दिया, क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में विराजमान है। सप्तम स्थान व्यापार का होता है, व्यापार के घर के मालिक स्वग्रही जरूर है लेकिन अपने से बारहवें घर में विराजमान है। फिर पितृ दोष भी यहां पर बनता है, ग्रहण दोष भी यहां पर बनता है, जहां पर बृहस्पति बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, उन्होंने भी आपके बिजनेस को बंद करवाया, लेकिन बृहस्पति से ज्यादा ये दुखी करने वाले प्लैनेट बनते हैं। अगर माता पिता सही मायने में समय रहते, बचपन में ही अगर इस दोष का उपाय कर लेते, जो आम तौर पर नहीं कर पाते, हम लोग जन्मपत्रियां जरूर बनाते हैं पर वो जन्मपत्रियां घर में कहां रहती है जी, अलमारी के अंदर किसी फाइल में, कूड़ा करकट में, जहां पर कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती उस जगह को वहां पर पड़ी रहती है, या फिर अलमारी के ऊपर एक सूटकेस पड़ा रहता है, उसके बीच में एक कागज पड़ा रहता है, कागज के नीचे जो है जन्मपत्रियां पड़ी रहती है जिसपे मिट्टी और कचरा ही लगा रहता है। फिर कभी कभार कोई घूमते फिरते महाराज आ गए तो उनको बाहर निकाला, झाड़ फूंक करके महाराज को दिखाया, फिर महाराज कहते हैं जी आप तो बहुत लेट हो गए जी। यही बात सत्य है, हम जन्म कुंडली बनाते जरूर हैं, तो आप लोग जब हॉस्पिटल में जाकर एक्सरे निकलवाते हैं तो उसके घर में लाके क्यों नहीं रख देते, उसे डॉक्टर को क्यों दिखाते आप? क्योंकि एक्सरे निकाला, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकाली, ECG निकाली, कोई रिपोर्ट आप निकालते हैं, उसको डॉक्टर को दिखाने के बाद ही तो आप इलाज करते हैं। तो यहां पर लोग क्या करते हैं कि जन्म कुंडली तो बनवा लेते हैं लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाते नहीं है, और बुले भटके दिखा भी दिया तो पंडित जी ने जो उपाय बताया वो हम करते नहीं है क्योंकि हमें उपायों पर विश्वास नहीं है। ऐसी बहुत सारी तकलीफ है, इससे आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो R&D बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो मैं तो 100% आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं कि जिंदगी में कभी मैन्युफैक्चरिंग मत करिएगा वरना मैन्युफैक्चर हो जाएंगे आपकी जिंदगी में, ये याद रखिएगा। तो यहां पर जो R&D का मतलब क्या है कि शेयर मार्केट में 100% आपको कर्म करना चाहिए और ऐसी कंपनी बनाइए ताकि, क्योंकि आपकी जो राशि है वो कर्क है, कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, आपको पैसा लगा के कोई काम नहीं करना है। आप कंप्यूटर खरीद रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, टेलीफोन लेना है, ये 3-4 चीजें शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3-4 चीजों में इन्वेस्टमेंट जरूर करिए लेकिन आप 100% जिन लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सलाह देंगे मुझे पूरा विश्वास है कि उनको जरूर फायदा मिलेगा।
आप खुद लगाएंगे तो कपड़े भी आपके उतर जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के ये दोष बनते हैं। तो उसके मुनाफे के साथ आप अपना कमीशन लीजिए, क्योंकि शनि कमीशन और परसेंटेज से संबंधित ही काम करवाते हैं। लेकिन क्या ये काम करने के बाद ये काल सर्व योग गायब हो जाएगा? हाँ, ये काल सर्व योग गायब नहीं होगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम जरूर कम हो जाएंगे। क्योंकि अब मैंने आपको जो उपाय बताए, इन उपायों को करने के बाद आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें पैसा आप लगाएं, पैसा दूसरे लगाएंगे तो ये दोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के उदाहरण बताए हैं जो कि अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से जी रहे हैं। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि क्या मुझे मुंबई और गोवा शिफ्ट हो जाना चाहिए? तो शुक्र 12वें घर में सेकंड हाउस में हो तो जहां पर नदी बहती है या जहां पर समुद्र हो वहीं पर ही आपका भाग्योदय होगा। तो गंगा नदी बहती है कोलकाता में, जो हावड़ा आपको पता ही है, वहां पर आप रहते हैं तो भी अच्छा है, और मुंबई चले जाते हैं जो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मेन हेड ऑफिस भी वहीं पर ही है, तो आप मुंबई जा सकते हैं, लेकिन नवंबर 2014 के बाद। अब आज के बाद जो आपकी तकलीफ आ रही वो काफी हद तक मैंने आपकी तकलीफें खत्म कर दी है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमने हिदायत आपको दी है उसी का अनुसरण करें। लोग क्या करते हैं कि हलवा तो बनाना है लेकिन हलवाई 4-5 बुला लेते हैं, यानी जितने हलवाई होंगे उतना ही हलवा आपका खराब बनेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपने अभी मुझसे सलाह ली, 4 दिन बाद आपकी दुकान के बाहर कोई पंडित जी जाते हैं, हाँ ला बच्चा जन्मपत्री लेकर आ, आपने उसे जन्मपत्री दिखा दी। इधर आपकी पत्नी किसी चलते फिरते महाराज को, जो कि शनिश्चर महाराज आए थे तेल बांटने तेल लेने के लिए, आपने उनको जन्मपत्री दिखा दी। फिर कभी टीवी में कोई किसी को क्वेश्चन कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद जो कुछ आपका सही चल रहा है आप उसे ही बिगाड़ कर बैठेंगे। तो अपनी समस्याओं का समाधान 36 लोगों से करवाना बंद कीजिए, किसी एक इंसान को मानिए जिसके अनुसरण अगर आपको लगता है कि उसकी बातें आपको सही नहीं सूट हो रही तो आप जाए, अन्यथा 36 लोगों के बीच में घूमने से कोई फायदा नहीं है। तो यह था इनकी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण। तो ये जो गुड़ते गुड़ते पत्थर भी गोल हो जाता है, ये गोल हो चुके हैं, तो उसी गोलाई का इनको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, यदि आप भी किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि वो समस्या से अभी नहीं जूझ रहे हैं, तो समय रहते आपको जन्म कुंडली बनवानी चाहिए। उसे बनवाकर आप देखें कि उसकी उसके अंदर तकलीफ क्या है, उसे तकलीफों का अगर हम उपाय करके समाधान कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी तकलीफें लगभग खत्म सी हो जाती हैं। और इन जो जन्मपत्री से भी ऊपर एक बात कहता हूं कि हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव सोचिए, और सकारात्मक सोच के साथ साथ आप हिम्मत रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ग्रहों के उपाय करेंगे तो आपको तकलीफ वैसे भी नहीं आएगी। आगामी 21 जुलाई 2013 को गुरु पूर्णिमा, जो 22 जुलाई को, उसका एक अवसर हमने रखा 21 जुलाई को। 21 जुलाई को मैंने अहमदाबाद में गुरु पूर्णिमा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें अभिषेक भी होगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, हर किसी साधक से मैं मिलने का प्रयास करूंगा, हर किसी की समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। मुंबई में जो 8 जून को फंक्शन हुआ था, जो कि शनि शांति साधना और साथ में अक्षय लक्ष्मी जो साधना हुई थी, लक्ष्मी अनुष्ठान हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने एंड टाइम पर, जिस दिन प्रोग्राम था उसके एक दिन पहले हजारों कॉल्स आए, उनको मौका नहीं मिल पाया। मैं बहुत बार कहता हूं कि रजिस्ट्रेशन अपना पहले करवाएं, तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया तो वो उस प्रोग्राम में भाग ही नहीं ले पाए। तो 21 जुलाई से तकरीबन 4-5 दिन पहले तक ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको समय रहते अपनी सीट मिल सके, मौका मिल सके, आप और हम गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को एक सदगति देंगे, एक जीवन को एक ऐसा मार्ग पर ले जाएंगे जिस पर हमें मंजिल आसानी से मिल जाएगी। तो अगली बार तक के लिए मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा, क्लेश का वातावरण, घर में सुख समृद्धि का अभाव, अकाल मृत्यु होना, अकारण विवाह या संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होना, असाध्य बीमारियों का होना, निरंतर कर्ज जैसी स्थितियों का बना रहना, स्वप्न में सर्प दिखाई देना, या फिर स्वप्न में किसी पूर्वज द्वारा भोजन या वस्त्र की मांग करना, ये सभी लक्षण प्रतीत होते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी पितृदोष से पीड़ित हैं। यदि आप भी इन्हीं सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा अपने पूर्वजों और पितृश्वरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आगामी श्राद्ध पक्ष पर संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना और प्राप्त करें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद। इस साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित पितृ दोष निवारक यंत्र, अष्टगंध व मंत्र सिद्धि माला। संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5190000,
243-2625, 98290-26625, टोल फ्री नंबर 1-800-200-101, दिल्ली 6542-0685 एवं 6454-4625, मुंबई 9324-27-2446 एवं 9322-37-7660, नागपुर 9371-07-3487 एवं 9371-16-1492 और नासिक 9370-590536, कोलकाता 9831-602512, जबलपुर 9907-94-3952।